हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, 6 बज चुके हैं। 6 बजे से मेरा व्लॉग शुरू हो गया है फ्रेंड्स, और मैं भी लग गई हूँ अपने काम में। और इधर मैं निकाल के ले आई हूँ फ्रेंड्स बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए, तो फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ। और इधर मैं फ्रेंड्स मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं पानी को भी बोतल में भर के रख दूँगी, तो मुझे बार बार पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो ये मिल्टन की बोतल है, तो इसमें जैसा पानी डालो वैसा ही रहता है, तो मैं सुबह ही गर्म करके रख देती हूँ। और अब मैं करूँगी फ्रेंड्स बच्चों के लिए दूध गर्म। तो दूध गर्म करने से पहले दूध की मलाई हटा देती हूँ, और दूध की मलाई हटाने के बाद में ही मैं दूध को काम में लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इधर में रख दिया है मैंने दूध भी गर्म होने के लिए। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी फ्रेंड्स, सुबह सुबह हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं ना कि हाथों का तो पता ही नहीं चलता है। तो इधर में फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा हाथ सेकने लगी थी गैस ऑन करके, और गैस ऑन कर दिया था, तो मैंने चलो चाय भी चढ़ा ही देती हूँ, चाय भी मेरी बन जाएगी और इधर में बच्चों का दूध भी गर्म हो जाएगा। तो दोनों का गैस ऑन कर दी है मैंने, और चाय का पानी भी मैंने चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। तो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी अदरक और एक लौंग डालूंगी। तो मुझे खासकर सर्दियों में ये लौंग और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है फ्रेंड्स। काफ़ी लोग इलायची डाल के पीते हैं, मुझे इलायची वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसमें मैं एक लौंग ज़रूर डालती हूँ सर्दियों में। तो किस किस को है लौंग अदरक वाली चाय पसंद, तो बताइएगा कॉमेंट में। और इधर में पीने के लिए भी मैंने एक गिलास में पानी भर लिया है फ्रेंड्स, तो चाय बनेगी तब तक मैं पी लेती हूँ गर्म पानी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड्स, सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी मैं ज़रूर पीती हूँ, तो सभी को पीना चाहिए वैसे। और आज मेरे काम में भी इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है, और बच्चों को भी मैंने उठा दिया है फ्रेंड्स, तो बच्चे अपना नहाने धोने में लगे हुए हैं, तो पानी भी मैंने पी लिया है फ्रेंड्स। और इधर में चाय में भी देखिए उबाल आ गया है, तो मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। और चीनी मैं डालती हूँ फ्रेंड्स दूध वगैरह डालने के बाद में ही, तो मैं पहले चीनी नहीं डालती हूँ चाय में। और अब कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं लंच बनाने की तैयारी। तो लंच में बनेगा आज बच्चों के टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे। तो आलू के पराठे की वैसे मेरी आधी तैयारी हो गई है फ्रेंड्स, वो मैंने रात को ही कर ली थी। आलू वगैरह तो मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिए थे, और अब मैं कर लेती हूँ प्याज वगैरह काट के रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो क्योंकि आधा सा काम हम रात को कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो सुबह इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होती है, तो आज मैंने रात को ही कर लिया था। जैसे बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर दिए थे, आलू भी मैंने बॉईल कर दिए थे, तो मैं आराम आराम से लगी हुई हूँ काम। इधर में चाय भी मेरी बन गई है फ्रेंड्स, बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है, तो मैंने कर दिया है गैस को भी बंद। और इधर में प्याज टमाटर भी प्याज हरी मिर्ची और धनिया भी मैंने काट लिया है, आलू भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैश कर लेती हूँ। और इधर में सारे आलू मैंने मैश कर लिए हैं, तो अब इसमें डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्ची और धनिया, जो हरा धनिया मैंने तोड़ के रखा है। तो अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स थोड़े से मसाले, तो ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ, और इसमें बस काली मिर्ची का पाउडर और लाल मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। और इधर में फ्रेंड्स मैंने आटा पहले ही गूंद के रख लिया था, तो इधर में मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के पराठे। और इधर में पूरा लंच भी बन के तैयार हो गया है, और अनुषा तो रेडी हो गई थी फ्रेंड्स, पर आयुष अभी रेडी नहीं हुआ था, तो क्योंकि आयुष है ना हमेशा बहुत ज़्यादा लेट कर देता है और रोते हुए जाता है, रोज़ ब्रेकफास्ट भी रह जाता है। इनकी आ गई थी वैन, और फाइनली फिर भी चला गया है आयुष। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बच्चे जा चुके हैं फ्रेंड्स स्कूल में, और टाइम 7:30 हो गया है, और वैन भी चली गई है। और आज यहाँ का मौसम दिखाती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, देखिए फ्रेंड्स। और सुबह सुबह पक्षियों की कितनी चहचहाट होती है, देखिए मोर भी बोल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, गांव की सी फीलिंग्स आती है। और अब चलते हैं अंदर, तो फ्रेंड्स कर देते हैं दरवाजा बंद, और अब पियेंगे हम चाय। चाय कितना भी जल्दी बना लो फ्रेंड्स, पीना तो इसी टाइम पे होता है मुझे। और मैं चाय डाल लेती हूँ, बच्चों का हो गया है लंच वगैरह तैयार। तो आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे फ्रेंड्स, और सारी तैयारी मैं रात को करके सोई थी, तो मेरा फटाफट से काम हो गया। और आज भी मैं उठी थी 6:45 बजे,
और 5:30 बजे का अलार्म होता है मेरा, पर मैं 5:45 बजे उठी थी फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को पता है नींद आती ही है, फिर भी उठ गई थी टाइम से, तो फटाफट हो गया है। मैं कितना भी जल्दी कर दूं फ्रेंड्स, फिर भी बच्चे है ना हमेशा अपना तो लेट ही करते हैं, कितना भी जल्दी कर देती हूँ मैं, फिर भी है ना आयुष रोज रोते हुए जाता है, क्योंकि वैन आ जाती है और उसका ब्रेकफास्ट वगैरह रह जाता है, तो आज भी है ना रोते हुए ही गया है वो। तो चले फ्रेंड्स, अब क्या करूं, मैं तो मेरा कर देती हूँ, पर खुद के मन से लेट हो जाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना फ्रेंड्स। और उठता नहीं है एक तो टाइम से, अनुषा फटाक से उठ जाती है, एक बार बोलने से ही उठ जाती है अनुषा। तो चलिए मैं तो चाय पी लेती हूँ, अब फ्री हूँ मैं। तो फ्रेंड्स डाल ली है चाय, और चाय पी के फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तो आ जाइए फ्रेंड्स मॉर्निंग चाय पीने के लिए, और मैं तो पी लेती हूँ फ्रेंड्स, सुबह से इंतजार कर रही हूँ चाय पीने का, कब से बच्चों का काम खत्म हो और मैं भी चाय पीऊँ, तो चाय पी के मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स हो गई है चाय वगैरह भी हो गई है, और अब कर लेते हैं फ्रेंड्स घर की क्लीनिंग वगैरह, और सारा घर फैला हुआ है इस टाइम पे, और देखिए बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ है, सिंक भरा हुआ है, सुबह सुबह बच्चों का ही बनाया है फिर भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स सारा काम कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स घर की क्लीनिंग वगैरह भी मेरी हो गई है, इधर में नहाना धोना भी कर लिया है फ्रेंड्स मैंने, और आ गई हूँ सीधे ही मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स खाना बनाऊंगी, बाकी सारे काम बाद में करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से। तो इधर में मैं बनाऊंगी आज खाने में चावल बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो नमकीन चावल मसाले वाले। तो इसके लिए मैंने चावल निकाल लिए हैं टोकरी में, तो उनको धो करके मैंने रख दिया है साइड में। अब मैं काट लेती हूँ टमाटर प्याज वगैरह, तो इसके लिए भी मैंने टमाटर वगैरह को धो लिया है फ्रेंड्स, तो इनको काट के रेडी करूँगी। और इधर में अभी तक मैंने बाल भी नहीं सुलझाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बच्चों के आने का टाइम हो गया है, तो चलो मैं इनकी पहले मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी तौलिया ही लपेट रखा है मैंने बालों पे, और इधर में देखिए मैंने न्यूट्रला भी रख दिया है बॉईल होने के लिए, आलू वगैरह सब कुछ काट पीट के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो तौलिया मैंने लपेट रखा था, तो थोड़ा अजीब सा बाल खींच रहे थे, तो मैंने बाल सुलझा लिए हैं और बना लेती हूँ। इधर में चावल में लगा दिया है तड़का। तो हेलो फ्रेंड्स, हो गया है मेरा नाना धोना हो गया है फ्रेंड्स, और घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और मैं नहाते के साथ में आ गई थी तुरंत किचन में, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों के भी स्कूल का आने का टाइम हो रहा था, तो मन की फटाफट से मैं लंच बना लेती हूँ। और लंच में आज बनाया फ्रेंड्स चावल बनाए हैं, पुलाव बनाए हैं मैंने, और अभी देखिए कुकर गैस पे है, अभी इसमें कुकर में प्रेशर भरा हुआ है ना, तो ये निकल जाएगा, उसके बाद में हम इसको खोलेंगे। और इधर में बनाया चावल के साथ में बनाया मैंने रायता, सिंपल रायता है ये, है ना। और देखिए बच्चे भी आ गए हैं फ्रेंड्स स्कूल से, तो मैंने देखिए ये भी आ गए थे जब मैं खाना बना रही थी, तभी आ गए थे स्कूल से, क्योंकि इनका फ्रेंड्स हाफ डे होता है आजकल ठंड की वजह से, 1 बजे स्कूल से आ जाते हैं, अभी 1:15 बज गया है और खाना भी हमारा रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स सभी बाल बाल सुलझा लिए हैं, 2 दिन से बाल धो रही हूँ मैं ठंड में, और क्योंकि आज तो मैं वैसे भी धोती क्योंकि आज सोमवार था। तो चलिए फ्रेंड्स खाना डालती हूँ बच्चों को, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स देखिए हमारे पुलाव बनके रेडी हो गए हैं, और आ जाइए फ्रेंड्स अब खा लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम हो गया 1:30 बज चुका है, अब खाना खा लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप सब भी आ जाइए, और रायता बहुत ही यम्मी बनाया है रायता। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स हो गया हमारा खाना पीना हो गया है अच्छे से, और अब मुझे करनी है फ्रेंड्स किचन की क्लीनिंग। तो हमारा किचन भी पूरा फैला हुआ है, देखिए अभी जस्ट हमारा सबका खाना हुआ है, तो बर्तनों का भी देखिए ढेर लग गया है, देखिए सिंक भरा पड़ा है ना। तो बच्चों का भी लंच वगैरह जो लंच बॉक्स है ये भी रखे हुए हैं, इनको भी सबको साफ करूंगी फ्रेंड्स। और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा ठंड, तो मैंने स्वेटर पहन लिए, फिर भी लग रही है क्योंकि फ्रेंड्स मेरे बाल गीले हैं, इस वजह से ज्यादा ही ठंड लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ, और फिर मिलेंगे आपसे हम थोड़ी देर बाद में। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शाम के 6 बज गए हैं, और अब मैं 6 बजे से शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स, और दिन का सारा काम निपटने के बाद में मैं वीडियो एडिटिंग करने लगी थी, तो फिर उसके बाद का मैंने कोई शूट नहीं किया था, और अब मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो इधर में बन रहे आज हमारे डिनर में आलू गोभी मटर की सब्जी, और इधर में देखें गोभी भी मैंने एक फूल लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं था छोटा ही फूल था, तो
तो ये भी मैं साफ कर रही हूँ। इधर में मटर भी छील लिए फ्रेंड्स, आलू धो के रख दिए हैं और इनको भी मैं छील के काटूंगी फ्रेंड्स। चाय मेरी हो गई है और ये देखें दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये भी देखो उबाल आ गया है इसके अंदर में, थोड़ी देर उबलने देती हूँ फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगी और फटाफट से मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स खाना। देखिए सब्जी बनाने की हो गई है मेरी सारी तैयारी पूरी। और इधर में देखिए कढ़ाई भी चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है। इधर में मैंने आलू गोभी है उसको मैंने गर्म पानी से धो लिया है अच्छे से, आलू को भी और गोभी को भी, है ना। और गोभी को हमेशा फ्रेंड्स गर्म पानी में धोना चाहिए, कीड़े वगैरह का डर रहता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से लगाती हूँ तड़का। हमारा सारा खाना बनके रेडी हो गया है, रोटियां भी बना ली है मैंने और इधर में सब्जी भी हमारी बन गई है। देखिए आलू गोभी मटर की सब्जी, कलर देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी का। और अब मैं डाल लेती हूँ, इधर में आयुष खा लिया है फ्रेंड्स खाना और मैं भी खा लेती हूँ, है ना। और अनुषा भी खाएगी मेरे साथ में। और ये देखो आयुष खा चुका है, ये अभी मूली खाएगा, ये ठंड में इतनी ठंड हो रही है फिर भी मूली खाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स खाना डाल लेती हूँ। तो आ जाइए फ्रेंड्स, डाल लिया है मैंने खाना भी, तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ डिनर करने के लिए। और ये बाकी सब्जी जो हमारी बची इसको मैंने डोने में डाल दिया है फ्रेंड्स, और अब इसको ढक के रख दूंगी और सुबह काम आ जाएगी हमारी, क्योंकि फ्रेंड्स सब्जी बच जाती है तो मैं फेंकती नहीं, सुबह काम में ले लेती हूँ। और अब हम करेंगे ब्लॉग का एंड। और फ्रेंड्स टाइम हो गया है, 8 बज चुके हैं और बच्चों के भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो हम खाना वाना खा लेते हैं फटाफट से। और आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट।